and my dear students today i am going to deliver its seventh lecture and it is a project activity. but before that my dear students let's quickly recap what we did in the previous lecture so for that listen to the questions very carefully and then pause the video and answer so quickly tell me what is volume very good now quickly tell me how can we measure the volume of liquids हम लिक्विड्स का वॉल्यूम कैसे मेजर uh, करते हैं थ्रू डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इनके ऊपर जो है वो मेजरमेंट लिखी हुई होती है कंटेनर्स uh, होते हैं उनके थ्रू जो है हम मेजर uh, करते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्रू सिलेंडर्स थ्रू बीकर्स इसके अलावा आपके घर में भी मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली लुक एट द सो अल्लाह सेज इन कुरान दैट एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून ऑल इन ऑर्बिट आर स्विमिंग सो माय डियर स्टूडेंट्स इस्लामिक परसपेक्टिव का यहाँ मकसद ये यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई हैं और उनको एक मकदार और एक जो है वो तनासब के साथ बनाया है uh, चाहे सूरज है चांद है सितारे हैं ये तमाम जो हैं इनको ताला ने एक खास जो है ऑर्बिट में एक मदार में ये चक्कर लगा रहे हैं इसके अलावा जितने भी मैटर क्योंकि अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर अल्लाह ताला ने हर चीज को एक खास तनासब से जो है उसकी कम्पोजिशन की है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली लुक एट दिस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टूडे सो इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वॉल्यूम अगेन और इस पे ही हम एक जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे ठीक है So, my dear students, now let's quickly look at the pre-reading question. Quickly tell me that did you see your mother doing measurement of ingredients while baking? तो कभी आपकी मदर जब घर में केक बनाती हैं, पिज्जा बनाती हैं, या कोई भी डिफरेंट uh, चीजें जब वो बेक करती हैं तो क्या आपने कभी उनको किसी मेजरिंग कप के अंदर uh, किसी चीज को मेजर करते हुए देखा है अच्छा ये नहीं देखा होगा तो इफ यू हैव younger सिबलिंग आपका कोई छोटा बहन भाई है कि आपने वैसे कभी किसी बेबी को देखा हो तो उसकी मदर जब उसका फीडर बॉटल तैयार करती है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर फीडर बॉटल के ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई होती है और फिर जो मिल्क है उसको एक खास मेजर में में या के अंदर जो है वो दिया जाता है तो इस तरीके से जो है वो मेजरमेंट की जाती है लिक्विड्स की ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट द प्रोजेक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट की जो है वो देखेंगे कि प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस क्या है सो स्टेप वन है सबसे पहले प्रोजेक्ट का आप अपनी बुक्स में पे पेज ओपन करेंगे रीड द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स वेरी गुड ओके अब इंस्ट्रक्शन इन योर हाउस यू हैव मेनी बॉटल्स एंड ऑफ जूस मिल्क वॉशरूम क्लीनर हेयर स्प्रेज लोशन एटसेट्रा रीड द बॉटल्स एंड कार्टुन टू फाइंड आउट द वॉल्यूम फिल इन द फॉलोइंग टेबल सो माई डियर स्टूडेंट्स इस टेबल को आपने फिल करना है और अगर आपको ये टेबल छोटा लगे तो यू कैन ऑल्सो यूज़ योर नोटबुक टू रिकॉर्ड द डाटा सो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके घर में जो है वो डिफरेंट कार्टन होते हैं कंटेनर्स uh, होते हैं लोशनस होते हैं हेयर स्प्रेज शैम्पूज होते हैं ना सबके घर में है ना तो उनके ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है कि इसके अंदर कितना प्रोडक्ट मौजूद है तो हमने असल में वो प्रोडक्ट जो है वो तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे करना है। लेकिन हम पहले स्टेप टू में हमें क्या बताया जा रहा है सो स्टेप टू में वी विल वेरीफाई द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स ठीक है अब क्योंकि हमने पहले स्टेप में वॉल्यूम जो डिफरेंट लिक्विड्स का उसको फाइंड आउट कर लिया जो कार्टुन के ऊपर लिखा हुआ है अब हम उसको वेरीफाई करेंगे आया जो आपके कार्टन के अंदर प्रोडक्ट दिया गया है क्या वो वाकई उधर प्रोडक्ट मौजूद है हम उसको खुद मेजर करेंगे कितना मजा आएगा है ना सो माय डियर स्टूडेंट्स द थिंग्स रिक्वायर्ड आर वन और टू कंटेनर्स शोइंग अ वन लिटर स्केल कार्टन ऑफ डिफरेंट लिक्विड शोइंग टू फिफ्टी एम एल थ्री फिफ्टी एम एल फाइव हंड्रेड एम एल सेवन फिफ्टी एम एल वन लीटर कैपेसिटी ओके वॉट टू डू

सो माई डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये एक्टिविटी घर में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने डिफरेंट बॉटल्स को जो है वो रीड आउट करना है पहले आपने उनकी मेजरमेंट को चेक करना है जब आपने उनकी मेजरमेंट को चेक कर लिया तो आपने फर्स्ट टेबल जो है उसमें अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी है उसके बाद आपने कुछ जो है वो दूध जूस इस तरह के कार्ट uh, लेने हैं और उनको अपने मेजरिंग कंटेनर में पोर करके देखना है कि क्या दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है क्या जो क्वांटिटी डब्बे पे लिखी हुई है या कार्टन पे लिखी हुई है वो वही क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट है कि नहीं हम ये मेजर करेंगे आपने कोई भी टॉक्सिक क्लेंजिंग एजेंट ब्लीच या पेट्रोल इस तरह की कोई चीज को मेजर नहीं करना दैट इज नॉट अलाउड और आपने ये जो प्रैक्टिकल है अंडर योर टीचर गाइडेंस करना है या अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से कोई भी जूस का कंटेनर दें और उसके ऊपर जो है बॉटम पे लिखा हुआ होता है कि ये कितने एम है आपने वो जो है अपने टेबल में रिकॉर्ड करने हैं यहाँ भी जो है वो जूस पे उसके एम ml लिखे हुए हैं रीड वॉल्यूम ऑन एंड मिल्क और उसके बाद आपने उसको जो है वो रिकॉर्ड करना है अपने टेबल में तो यहां आपके पास ये टेबल है इस तरह से आप अपनी कॉपी पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं बुक में भी है और फिर आपने लिखना है नंबर वन टू आप लिक्विड मिल्क जूस एंड देन राइट डाउन द वॉल्यूम रिटन ऑन द कार्टन अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी मेरे पास ऑलरेडी जो है वो कुछ जूस मिल्क और डिफरेंट जो है क्लेंजिंग एजेंट जो है वो पड़े हुए हैं यू कैन सी आई हैव जूस कार्टन है यू कैन सी अ मिल्क कार्टन एंड अ बाथरूम क्लीनर ठीक है मैंने ये तमाम लिए हैं और अब मैं इनकी रीडिंग्स करूंगी नोट करूंगी और फिर मैं इनको नोट डाउन करूंगी अपने टेबल में ठीक है So, first of all, let's read out the, what is written on this juice. Hai? Um, ispe likha hai, likha hai, hai? So, this is one liter. Maybe you cannot read it, but I can read it. This is one liter. Again, if we will look at the milk carton, it is, it is also one liter. Here it is written. It is also one liter. Now, let's read out the cleansing agent, uh, bathroom cleaner. दिस इज इसकी बैक पे लिखा हुआ होता है so, से यहां लिखा हुआ है दिस इज 500 ml एम एल ठीक है तो मैंने डिफरेंट जो रीडिंग्स है वो रिकॉर्ड कर लिए अब मैं इसको टेबल में फिल आउट करती हूं चले जी मिल्क कार्टन वॉज वन लीटर जूस वॉज ऑल्सो वन लीटर एंड नंबर थ्री वॉज बाथरूम क्लीनर बाथरूम क्लीनर दिस इज 500 हंड्रेड ओके सो दिस इज वन लीटर वन लीटर एंड दिस इज़ हंड्रेड मिली लीटर ठीक है नेक्स्ट इज अब आप अगेन देखें हम स्टेप टू पे आएंगे दिस इज द मेजरिंग कंटेनर्स, आपको इस तरह से कोई भी मेजरिंग कंटेनर्स चाहिए और उसके बाद आपने इनके अंदर अपना जो कॉन्टेंट है डब्बे के अंदर उसको पोर करना है जूस को मिल्क को और उसके बाद आपने ए बी सी जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है अपने टेबल में इस तरीके से करनी है और आपने बताना है कि इज देर एनी डिफरेंस ठीक है सो अगेन आई हैव सम ऑफ मेरे पास यहाँ मिल्क कार्टन है ठीक है और मेरे पास यहाँ जूस का कार्टन uh, है और मैं इनकी रीडिंग्स को पहले नोट करूंगी दिस इज थ्री फिफ्टी एम दिस जूस इज थ्री फिफ्टी एम और जो मिल्क है दिस इज टू फिफ्टी एम ठीक है टू फिफ्टी एम और अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ठीक है बीकर so, इसकी फाइव हंड्रेड जो है वो तक इसका ये रिकॉर्ड कर, कर सकता है तो मैं इसमें कॉन्टेंट ज्यादा है यूज दिस बीकर फॉर रीडिंग ठीक है सो आई विल आई एम गोन ओपन दिस कार्टन ठीक है मैं कार्टन को मैं ओपन करती हूँ थोड़ा सा गिर भी जाता होता है तो आपने गिराना नहीं है ठीक है टेक हेल्प फ्रॉम योर मदर और योर टीचर डू नॉट कट इट ओपन योर सेल्फ बिकॉज ये थोड़ा बहुत गिर भी जाता है सो so, मैं अब इसको सारे को जो है इस तरीके से अपने कंटेनर में ओप्स ज्यादा जोर से पुश नहीं करें क्योंकि फिर ये बाहर की तरफ निकलेगा इसको मैंने सारे को डाल दिया थोड़ा सा गिरा भी है हमारा ये ओके दिस इज एग्जैक्टली 250 फिफ्टी एग्जैक्टली exactly 250 फिफ्टी

और एनी अदर लिक्विड आप उसको पोर करें अपने कंटेनर में एंड यू कैन नोट इट डाउन कितना डिफरेंस uh, आ रहा है ठीक है सो हेयर आई हैव मिल्क मैंने लिया टू फिफ्टी 250 एल ठीक है एंड देन देर इज नो डिफरेंस सो यू कैन राइट है प्रैक्टिकल सो माई डियर स्टूडेंट्स यू विल पॉज दीडियो

वेरी इजी आप क्वांटिटी जो है उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेथोडोलॉजी एंड परफॉर्म द प्रोजेक्ट इन क्लास सो माई डियर स्टूडेंट्स आपने ये प्रोजेक्ट जो है ये अपनी क्लास में कंप्लीट करना है विद योर टीचर ओके

नाउलेट क्विकली मूव फॉरवर्ड सो इट्स टाइम अप आज के की पॉइंट और इम्पॉर्टेंट चीजें क्या थी वी कैन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाई मेजरिंग दैम इन कंटेनर्स है हम वॉल्यूम को कैसे मैयर कर सकते हैं बाई यूजिंग मेजरिंग कंटेनर्स जिनके ऊपर स्केल गिवेन होता है टू मैजर द वॉल एंड वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज रिटन ऑन द कार्टन लाइक ऑन द जूस और मिल्क और आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट अगर आपको लिक्विड्स uh, के कार्टन या कंटेनर्स हैं आपके पास तो आप उसको कैसे वह वेरीफाई कर सकते हैं यू कैन वेरीफाई इट बाय पोरिंग इट इन टू अ मेजरिंग स्केल और फिर उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी है जो मेंशन हुई हुई है बॉक्स के ऊपर सो दिस सिंपल हाउ इट इज ओके सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू विल इन्जॉय दिस प्रोडक्ट और आप इससे वॉल्यूम्स को जो है मेजर करना सीख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड को हम वॉल्यूम्स में मेजर करते हैं सो कीप एवरीबडी अराम यू सेव ए गुड डे थैंक सो मच एन हाफिज